आंदोलन कर रहे सभी साथियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कल से लेकर के आज तक, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, आपकी आंदोलन की ताकत ने, आपकी आंदोलन की तपिश ने सरकार को झुकाया है और सरकार को इस बात का एहसास कराया है कि किसानों और मजदूरों का गुस्सा सरकार झेल नहीं सकती है। और आज जो हमारा मुद्दा है, जिसको लेकर के यह देशव्यापी हड़ताल चल रहा है, उसमें एक सीधी सी बात यह है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे किसान हो या मजदूर हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले हो या गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे परमानेंट कर्मचारी हो या ठेके पे काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या आशा कर्मी हो, चाहे कुरियर सेवा में काम करने वाले कर्मचारी हो, तमाम कर्मचारियों के हक और अधिकार को आज छीना जा रहा है। उनके पेट पे लात मारी जा रही है। और जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, जिस संविधान में यह बात कही गई है कि तमाम नागरिकों का अधिकार बराबर है, जिस संविधान में यह कहा गया है कि समान काम का समान वेतन लागू किया जाएगा, वह जो कानून है, वह जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे यह सरकार चलने को तैयार नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे दो अलग अलग वेतन पाने वाले शिक्षक हैं, एक ही सरकार के भीतर विभाग में काम करने वाले अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग मूल्य दिया जा रहा है। अगर कोई सरकारी गार्ड है तो उसको अलग तरह की सुविधाएं दी जा रही है, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मानदेय के नाम पे जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं, उनकी पेट पे लात मारा जाता है। बतौर सरकारी कर्मचारी उनसे तमाम काम लिए जाते हैं, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। यह जो मेहनत की लूट है, इस मेहनत की लूट के खिलाफ आप लोगों ने जो आंदोलन का आगाज किया है, इस आंदोलन में हम विद्यार्थी और नौजवान कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर कहीं भी देश के भीतर, राज्य के भीतर, जिले के भीतर गरीब किसान मजदूर और मजलूमों के साथ कोई अन्याय होगा, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस आंदोलन में शरीक हों। और यही वजह है कि यह संयोग है कि आज हम अपने जिले में मौजूद हैं और हमारे जिले की आशा कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, किसान और मजदूर, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, मिड डे मील में काम करने वाले लोग, कुरियर सेवा में काम करने वाले लोग, उन लोगों ने जो यह देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, उसमें हम शरीक होने के लिए आए हैं। और हम आपको यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब आम आवाम अपने हक के लिए संघर्ष करती है, एकजुट होती है, तो शोषणकारी सत्ता की कुर्सी डोलने लगती है। उस शोषणकारी सत्ता की कुर्सी को डुलाना है और अपने हक और अधिकार को पाना है। लेकिन इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखेंगे कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जब वो सत्ता में नहीं होती है तब आपके आंदोलनों में शामिल होती है, लेकिन जब वो कुर्सी पे बैठ जाती है तब वो आंदोलन के सवालों को भूल जाती है। इसीलिए आज हम तमाम नागरिकों को मिलकर के ये संकल्प लेने की जरूरत है, और तमाम पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारी पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, हमारा संगठन भी यहाँ मौजूद है। हम सब मिलकर के इस बात को तय करेंगे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इन तमाम पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में जो आपकी मांग है उस मांग को शामिल करना पड़ेगा। अगर वह मांग को शामिल नहीं करते हैं, अगर वह हमारे हक और अधिकार को से संबंधित कानून नहीं बनाते हैं, हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस देश का नागरिक होने का जो अधिकार है वो मुहैया नहीं कराते हैं, तो इनको भी आप चेता दीजिए कि आज सड़क बंद किए हैं भाजपा और उसके खिलाफ, कल अगर आप भी हमारा मांग नहीं मांगिएगा तो फिर देश बंद करेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। यही बात, यही विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके बीच हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ भी आंगनवाड़ी में काम करती है, अगर उसको 3,000 का मानदेय नहीं मिलता तो मैं दिल्ली जा कर के पढ़ नहीं पाता। दिल्ली से अगर हम बेगूसराय आए हैं
तो यही संकल्प लेकर के आए हैं कि हम एक माँ का बेटा नहीं है, पूरे बेगूसराय के भीतर जो काम करने वाली माताएं बहने हैं उसके हक और अधिकार को लेकर के लड़ेंगे। हक और अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अगर आप नहीं दीजिएगा तो अपना अधिकार हम छीन कर के लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके मेरी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जिंदाबाद।